हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट फॉर यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड हमने लास्टली डिस्कस किया था कि हाउ टू डेवलप एन एल्गोरिदम, आखिर एल्गोरिदम को कैसे डेवलप किया जाता है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एक एल्गोरिदम को लिखेंगे जो कि प्रिंट करवाता हो द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि हमारे पास कोई गिवन नंबर यूजर के द्वारा दिया गया 5, 10, 1,00,000, 1,00,000 कुछ भी, हमें उसके टेबल को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिक को। सबसे पहले हम लोग जब भी किसी एल्गोरिदम को लिखते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टार्ट, यानी प्रोसीजर को स्टार्ट करना। तो हमारा स्टेप वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टार्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। नाउ अब स्टेप टू क्या होगा, हमें क्या करना है स्टूडेंट, टेबल को प्रिंट करना है। तो किसके टेबल को प्रिंट करना है, यानी हमें पता तो होना चाहिए वो नंबर, यानी यूजर से हमें एक नंबर को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, एक इनपुट लेना पड़ेगा एक नंबर को हमें। तो हम क्या करेंगे, स्टेप टू लिखेंगे इनपुट एन, और ये एन क्या होगा, एन वो नंबर होगा जिसके टेबल को हमें प्रिंट करना है। नाउ अब हमारे पास एन आ गया स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, टेबल को प्रिंट करना है। तो टेबल को प्रिंट करने के लिए हमें वन, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन है, आइदर हमारे पास 5 है 10 है कुछ भी है, मान लिया जाए 5 है, तो हमें 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन 2 से 3 से 4 से इस तरीके से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल ले सकते हैं, काउंट वेरिएबल, जिसके वैल्यू को क्या करेंगे हम 1 रखेंगे और उसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे, कहां तक, 10 तक करते जाएंगे। आ रही है बात समझ में, देखिए लॉजिक को समझते चलिए। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया ए, कोई एक वेरिएबल, और उसमें असाइन कर दिया 1। यहां आप अगर वेरिएबल नहीं समझ पा रहे और वेरिएबल समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए हैं फिर भी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, वहां पे आप लोग जानते होंगे एक्स वाई जेड के बारे में, अल्फा बीटा गामा, जिसे हम क्या करते हैं, जो सारे वेरिएबल्स होते हैं, और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। सो हमने ए के वैल्यू को लिख लिया स्टूडेंट 1, ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4 में डू, यानी कि करेंगे क्या, इस में असाइन करवाएंगे क्या, इन इक्वल्स ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस एक वेरिएबल है जिसमें असाइन करा रहे हैं, ये हम असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, ये एक सिंबल है जो कि एल्गोरिथम में यूज किया जाता है फॉर असाइनमेंट पर्पस। सो इसमें असाइन करवा रहे हम इन इंटू ए की वैल्यू, और इन क्या है हमारा, ये हमारा वो गिवन नंबर है, मान लिया जाए कोई भी 5, 10 कुछ भी हो सकता है, उसको हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 5, 1 जा 5, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, यानी कि पहले हम 2 या 3 से करें तो हमारा एस का वैल्यू तो मॉडिफाई हो जाएगा, तो हमें पहले एस को प्रिंट करना होगा। आ रही है बात समझ में, फिर से समझिए, जैसे ही हमने किया डू, यानी कि करो, क्या करो, इस में असाइन करवा दो n इंटू ए को, ओके, यानी कि ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये इस एक वेरिएबल है जिसमें n जो भी नंबर यूजर के द्वारा गिवन है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, उसमें असाइन करवा दिया, यानी अभी 5, 1 जा 5 मेरे पास आ चुका है, तो उस 5 को पहले प्रिंट तो करवा दें। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बोलेंगे क्या करो, उस 5 को प्रिंट करवा दो, इस के वैल्यू को प्रिंट करवा दो। नाउ अब 5 प्रिंट हो गया, अब हमें 5, 2 जा 10 करना है, तो उसके लिए हमें इस ए को क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 करना पड़ेगा, यानी एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे क्या करो भाई, ए में असाइन करवा दो a+1, यानी ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। अब ए की वैल्यू 2 हो गई, अब क्या करो भाई, अब इसी को रिपीट करते रहो, यानी ए की वैल्यू जैसे ही 2 हुई तो क्या करो तुम, 5, 2 जा 10 करो और इसको प्रिंट करा दो, फिर ए की वैल्यू 3 करो और 5, 3 जा 15 करो, इसको प्रिंट करा दो, फिर ए की वैल्यू को 4 करो, 5, 4 जा 20 करो और इसको प्रिंट करा दो। ये करते रहो, कब तक करते रहना है, 10 तक करते रहना है, यानी कि जब तक इस ए का वैल्यू क्या हो, जब तक कि 10 रहे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कंडीशन लगाएंगे क्या, कि वाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि ए क्या हो, 10 से लेस देन हो और 10 के इक्वल हो, तब तक तुम इसे क्या करते रहो, रिपीट करवाते रहो। तो ये हमारा क्या करेगा, ये स्टेप हमारा टेबल को प्रिंट कर देगा। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एल्गोरिदम को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा एल्गोरिदम, आइए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये एल्गोरिदम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, मान लिया जाए 5 को ही लेते हैं या कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। यूजर ने क्या किया स्टूडेंट, 2 को दिया है, एंटर किया है। हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट होगा सबसे पहले इनपुट एन, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। मैं यहाँ पे लिखते चल जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो, एन की वैल्यू मान लिया जाए, एन की वैल्यू है 2।
ए में हम लोग असाइन करवा रहे हैं क्या, वन, तो ए की वैल्यू हो गई वन, ओके, ए की वैल्यू हो गई वन। टू, अब स्टेप फोर में हमें करना है क्या, इसमें असाइन हो रहा है क्या इन इंटू ए, यानी कि एन की वैल्यू टू और ए की वैल्यू वन, तो इसमें असाइन हो जाएगा क्या, मैं यहां पे एक एस बना दे रहा हूं और इसमें आ गया मल्टीप्लीकेशन, डेट इज टू। अब हमें क्या करना है, इस ए को इंक्रीमेंट कराते चलना है, हम लोग कर चुके प्रिंट एस, इसको पहले प्रिंट करना है, यानी कि मान लिया जाए ये हमारा प्रिंट हो रहा है, ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, टू प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि ए में रीअसाइनमेंट कर रहे हैं ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वन से अब हो जाएगी टू। नाउ अब कंडीशन क्या लगा हुआ है, व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टू टेन, जो टू है वो लेस देन इक्वल्स टू टेन है, यस बिल्कुल, तो क्या होगा डू, इसमें असाइन कर दो एन इंटू ए, यानी एन की वैल्यू टू और ए की वैल्यू टू, डेट इज टू इंटू टू, यहाँ पे इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया अब फोर। नाउ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, प्रिंट एस, तो ये क्या करेगा फोर को प्रिंट कर देगा, अगेन क्या करेगा ए इक्वल्स ए प्लस वन, यानी ए की वैल्यू अब टू से ये क्या कर देगा स्टूडेंट, टू से कर देगा ये थ्री। नाउ चेक करेगा व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टेन, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टेन, यस ऑब्वियसली, तो अगेन ये इसे रिपीट करेगा क्या, एस इक्वल्स एन इंटू ए, तो एन की वैल्यू टू, यूजर के द्वारा गिवेन था क्या टू, तो टू इंटू थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, अब ये हो जाएगा क्या सिक्स। नाउ उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एस, तो ये क्या करेगा एस की वैल्यू है सिक्स, तो सिक्स को प्रिंट कर देगा, अगेन यहाँ कंडीशन चेक होगा कि नहीं, देखिए प्रिंट एस के बाद क्या है, प्रिंट एस के बाद है ए में रीअसाइनमेंट हो रहा है ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू थ्री से क्या हो जाएगी फोर, और अब इसके नीचे कंडीशन लगाए कि व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टेन, फोर इज लेस देन इक्वल्स टेन ऑब्वियसली, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अगेन ये रिपीट होगा, एस में असाइन होगा एन इंटू ए की वैल्यू, डेट इज टू इंटू फोर, और टू इंटू फोर क्या होता है टेन, तो अब एस की वैल्यू सिक्स से हटकर क्या हो जाएगी टेन। आगे बात समझ में, नाउ क्या होगा प्रिंट एस, तो यहाँ पे एस की वैल्यू है टेन, तो टेन प्रिंट हो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। नाउ ए में रीअसाइनमेंट होगा ए प्लस वन, तो यहाँ फोर के जगह आ जाएगा आपका फाइव। व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल्स टेन, फाइव इज लेस देन इक्वल्स टेन ऑब्वियसली, तो अगेन ये रिपीट होगा एस इक्वल्स एन इन टू ए, टू इज टू फाइव, और वन मिनट, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया क्या, हमने यहाँ पे स्टूडेंट फोर, अच्छा टू फोर जा टेन नहीं, टू फोर जा एट होता है, ठीक है यही गलती किया था हमने, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, वन मिनट, ये देखिए ये क्या होगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे एट होगा, ओके, ये आपका टू फोर जा हुआ एट सिक्स से हटकर, और यहाँ पे प्रिंट हुआ एट, और ए की वैल्यू इंक्रीज होके फोर से हो गई फाइव, चेक हुआ कि फाइव लेस देन इक्वल्स टेन, यस। नाउ अगेन ये रिपीट होगा क्या, टू इज टू फाइव, इसमें क्या असाइन हो जाएगा स्टूडेंट, एन इंटू ए की वैल्यू, डेट इज टू इज टू फाइव की वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, तो एस की वैल्यू हो गई क्या टेन। एंड नाउ इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखवाया, प्रिंट एस, डेट इज ये क्या करेगा स्टूडेंट, टेन को प्रिंट कर देगा, ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन। चलिए ये ट्वेंटी नहीं है, ध्यान देना है जरा सा, ये है आपका क्या, वन मिनट, हाँ ये है आपका स्टूडेंट टेन, ठीक है। चलिए नाउ अगेन ये क्या होगा स्टूडेंट बताइए, अब ये क्या होगा करेगा ए इक्वल्स ए प्लस वन, यानी कि ए के वैल्यू को अगेन इंक्रीज करके ये कर देगा सिक्स, और चेक करेगा सेम कंडीशन, ए इज लेस देन इक्वल्स टेन, सिक्स इज लेस देन इक्वल्स टेन, यस ऑब्वियसली, तो अगेन ये रिपीट करेगा एस के वैल्यू में कर देगा एन इंटू ए, एन तो यूजर के द्वारा गिवेन था टू, और हम काउंट के वैल्यू को कहां तक ये चलते रहेगा स्टूडेंट, क्या मैं पूरा करवा दूं, चलिए करवा देता हूं, ए का वैल्यू इंक्रीज होते रहेगा कब तक, टेन तक, तो अगेन ये सिक्स से क्या हो जाएगा, सॉरी ये सिक्स तो हमने इंक्रीज कर दिया है ना, ये हमने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, अब ये हो जाएगा आपका टू सिक्स जा ट्वेल्व, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए, ट्वेल्व प्रिंट हो जाएगा। नाउ ए इक्वल्स ए प्लस वन, अगेन यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन हो जाएगी, चेक करेगा ए इज लेस देन इक्वल्स टेन, ए इज लेस देन इक्वल्स टेन, देखिए ए की वैल्यू सेवन है, यस सेवन इज लेस देन इक्वल्स टेन, अगेन ये लूप रिपीट करेगा, ये यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ध्यान देना है, तो इस इक्वल्स एन इंटू ए, एन यूजर के द्वारा गिवेन है टू, ए की वैल्यू है सेवन, तो टू सेवन जा फोर्टीन,
s की वैल्यू हो गई 14 और यहां पे क्या हो रहा है प्रिंट s, तो ये 14 को प्रिंट कर देगा। ओके नाउ a इक्वल्स a प्लस a, a की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो रही है, a की वैल्यू हो गई 8। अब चेक करेगा व्हाइल एज लेस देन इक्वल्स 10, 8 इज लेस देन इक्वल्स 10, यस अगेन ये रिपीट होगा s इक्वल्स n इनटू a, 2 8 जा क्या हो जाएगा s की वैल्यू हो जाएगी 16। अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं s की वैल्यू को यहां पे लिख रहा हूं, s की वैल्यू अब हो गई क्या स्टूडेंट, s की वैल्यू हो गई 16। सो प्रिंट s, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है a इक्वल्स a प्लस 1, तो a की वैल्यू 8 से क्या हो जाएगी अब 9, a की वैल्यू हो गई 9 और चेक करेगा कि व्हाइल एज लेस देन इक्वल्स 10, तो 9 इज लेस देन इक्वल्स 10, यस तो अगेन ये क्या होगा लूप आपका चलेगा और s इक्वल्स n इनटू a दैट इज 2 9 जा 18, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट अब 16 से हो जाएगा आपका 18 और ये कह रहा है प्रिंट s, तो ये 18 को प्रिंट करेगा। ठीक है a इक्वल्स a प्लस 1, अगेन a की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो ये 9 से क्या हो जाएगा अब 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पे सारे बोल रहा है व्हाइल a इज लेस देन इक्वल्स 10, क्या a, a का वैल्यू क्या है 10, 10 लेस देन इक्वल्स 10 है, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है, ये दोनों में से कोई एक तो सही है, तो यस 10 इज इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन हमारा सही हो गया। तो कंडीशन सही हुआ तो अगेन ये एक बार चलेगा और s की वैल्यू क्या हो जाएगी n इनटू a, n यूजर के द्वारा गिवन द 2 और a की वैल्यू है 10, तो 2 10 जा 20, तो यहां s की वैल्यू 18 की जगह क्या हो जाएगी बताइए 20, तो यहां पे उसके बाद सेकंड क्या प्रिंट s, तो ये 20 को प्रिंट करेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बोल रहा है a में असाइनमेंट हो रहा है a प्लस 1, तो a की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, a की वैल्यू 11। अब कंडीशन चेक होगा व्हाइल a इज लेस देन इक्वल्स 10, क्या 11 लेस देन इक्वल्स 10 है, ध्यान दीजिए तो 11 आपका लेस देन या इक्वल्स टू 10 है, ना ही ये लेस देन है ना ही ये इक्वल्स टू है, ये रॉन्ग हो गया। तो यहां पे जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो ये क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जंप कर जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टॉप, तो ये आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए क्या आपका टेबल प्रिंट हो चुका है, 21 जा 2, 22 जा 4, 23 जा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इस प्रकार से आप किसी भी टेबल को दीजिएगा, किसी भी नंबर को दीजिएगा, तो उसका टेबल ये गिवन एल्गोरिदम जनरेट आपको करके दे देगा, यानी कि हमारा अप्रोच सही है, लॉजिक सही है। अब हम इस लॉजिक को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं, चूंकि हमने पढ़ा है कि हमारा एल्गोरिदम क्या होता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, ये जस्ट एक लॉजिक है, ये जस्ट हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिखा है कि हम जब प्रोग्राम डेवलप करेंगे तो इस प्रोसीजर के तहत हम डेवलप करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, हम लोग टेबल के लिए डिफरेंट इससे अलग अलग एल्गोरिदम को बना सकते हैं, ये हमने आपको सबसे सिंपल वे में बताया स्टूडेंट। ओके तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे चल रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।